Hi, we're here in Boundary Park. We just graduated. We got our law degree. Yeah. Oh, ready? Okay, what's the inspiration? What you'll tell the young kids what to do to come to this stage? It begins hard, but you can always just keep studying, keep trying. You'll get through it, and it's so worth it. Power through, yes. Yeah, always work hard. Yes. Always work hard, because, without hard work, you won't be wearing this gown. Right? Yeah, for sure. And it's a happy moment for you. Yes, for sure. Thank you very much. Vancouver, Kijan, Dilipam, Pakistan. जी नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आज बाउंड्री पार्क में खूबसूरत जगह है, जो वॉक करने के लिए जगह है, और यहाँ पर लोग जो है नेचर के बहुत करीब आने के लिए यहाँ पे आते हैं अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए। इस वक्त शाम का समय है, 22 मई 2024 का प्रोग्राम दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आपके लिए पेश करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को मैं सलाम पेश करता हूँ, वो लोग जो कि पाकिस्तानियों के लिए हर लम्हे जो है वो उनकी मदद करने को तैयार हैं, और इसी वजह से शायद पाकिस्तान जो है कायम दायम है। नहीं तो बहुत सारे लोग जो हैं इसके मुल्क की टांगें खींच रहे हैं, इसके रिसोर्सेज खींच रहे हैं, इसमें कर्ज़े लेकर अपनी जायदादें, चाहे दुबई हो चाहे वेस्ट हो, 12 अरब की जायदादें भी बनाई हैं। बाउंड्री पार्क पे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ बच्चे भी शौकीन हैं, वो अपने फुटबॉल लेके आए हुए हैं अपने दादा के साथ। ही इज प्लेइंग हियर, बट आई टोल्ड हिम टू गो एंड प्ले इन अ सॉकर फील्ड, बट इट्स गुड टू प्ले इन द समर और इन द विंटर और इन द फॉल सीजन। It's all, every time it's a good time. नाज़रीन, ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया से इंतखाब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया में बहार का मौसम जो है जाने वाला है, और यहाँ पे फूलों की कुछ अकसाम ऐसी हैं जो कि समर में खिलते हैं, लेकिन ये कल का स्ट्रॉम जो है बहुत एक बड़ा स्ट्रॉम आया यहाँ पे, 100 किलोमीटर्स की रफ्तार से कुछ विंड्स चली, और वो विंड्स काफ़ी हैवी विंड्स थी जो कि यहाँ पे होती नहीं है इतनी, बल्कि ओवर 100 किलोमीटर थी। तो आज का प्रोग्राम हम दिल अपना पाकिस्तान का बाउंड्री पार्क से करेंगे, जहाँ पे फूल अभी तक खिलखिला रहे हैं, लहरा रहे हैं, और इनकी ब्यूटी जो है वो काबिल सताइश है। अल्लाह ताला की हम जो है सना पेश करते हैं, और इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम आपके लिए पेश करते हैं। देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान, इंतखाब अहमद के साथ। दिस ये जो बर्ड है ये ग्रे हेरन है, ये शाम में इस वक्त 6-7 बजे के करीब स्प्रिंग में और समर में आता है यहाँ पे बाउंड्री पार्क में, और ये बाउंड्री पार्क में अपनी डिनर करने के बाद अब अपने परों को क्लीन कर रहा है। अच्छी विंड चल रही है, हैरी द हैरन इसका नाम है। पिछले चंद प्रोग्राम में कभी मैंने इसका ज़िक्र किया था, हैरी द हैरन। तो हैरन है ये, बगला जिसे कहते हैं, जो ताक लगा के बैठा रहता है, और वो अपने डिनर की तलाश में होता है। आज लग रहा है कि इसने अपना डिनर कर लिया है, और यहाँ पे मैं मौका मिलेगा तो यहाँ पे कुछ मछलियाँ भी दिखाऊंगा, और वो मछलियाँ जो हैं यहाँ की परमानेंट रेजिडेंट हैं, और वो दूर वहाँ पे जहाँ बेंच पड़ा हुआ है वहाँ पे, बल्कि इस साइड पे कहना चाहिए, इस साइड पे थोड़ा सा कुछ एरिया है जहाँ पे मछलियाँ आती हैं और लोग वैंकूवर की जान। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैरी द हैरन यहाँ पे है। आज की बैकग्राउंड में हम कोशिश करेंगे कि हैरी द हैरन जो है वो बाउंड्री पार्क में हमारी जो है बैकग्राउंड का हिस्सा बने। इंतखाब अहमद आज बाउंड्री पार्क से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, ये प्रोग्राम जो है इस बार 2-3 सेगमेंट का है, तो पहली सेगमेंट में हम आपसे बात करेंगे बिशक में, जो पाकिस्तानी तलबा जो हैं वो फंस चुके थे, हम उसके बारे में बात करेंगे।
हमारे प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे कि जिस तरह से कनाडा मल्टीकल्चरल कंट्री है और ये मुख्तलिफ़ मुआशरों की जो चीज़ें हैं आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करता चला जा रहा है, ट्राई कर रहे हैं ये द इस्लामिक मॉर्गेज जो है हलाल मॉर्गेज के नाम से, तो हम उस पर भी बात करेंगे। हैरी द हैरन की जो टेरिटरी है वो लेक के दरमियान में एक बड़ा सा पत्थर है जो कि छोटी सी हिल है कहना चाहिए, ये उसके ऊपर आके बैठता है और ये बड़ा टेरिटोरियल है और अपने आप को बड़ी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करता है। अपना एक शेर आपसे शेयर करता हूँ। इन इशारों पे खड़े मांगने वाले, इन इशारों पे खड़े मांगने वाले मुखन्नस नहीं ये हैं टांगने वाले। देखते रहिए खेल अपना पाकिस्तान, जे तुसी अपना पाकिस्तान नहीं वेख्या। इन इशारों पे खड़े मांगने वाले मुखन्नस नहीं ये हैं टांगने वाले। नाज़रीन ये बिल्कुल उससे रिलेटेड है इस बात से कि ये लोग जो हैं वो मुखन्नस नहीं हैं और ये लोग कुछ जो हैं उनमें कुछ लोग जो हैं वो ज़रूर उन नामालूम लोगों में से शामिल हैं जो मुल्क की किस्मत का फ़ैसला करने के लिए अपने नापाक अज़ायम जो हैं वो उनको उन पर अमल करते हैं अपनी ताकत के ज़रिए। आपको एक बात बताऊं कि हम लोग जो हैं पाकिस्तान में पाकिस्तान के पासपोर्ट की जो वैल्यू है इस वक्त वो इंतहाई लोअर दर्जे की हो चुकी है। सोमालिया, इराक, अफगानिस्तान और सीरिया इससे बस एक आध दर्जा ऊपर है। सोचिए हमने अपने मुल्क को किस तरफ लेके जाना है। दहशतगर्दों से लड़ने की आड़ में हमने अपने 1,00,000 लोग तबाह कर दिए, मार दिए, जान से मार दिए हैं और नतीजा कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको एक और बात बता दूं कि हम जिन ताकतों के इमा पर पाकिस्तान में ये बातें हो रही हैं और पाकिस्तान के जो वसाइल हैं उन पर कब्ज़ा किया जा रहा है और उनको मूव किया जा रहा है, उनको कम दामों जो है वो औने पौने दामों बेचा जा रहा है। वो एक ऐसे ही है जैसे हमने अपने घर में चोर बिठा रखा है चौकीदार के बजाय, चोर जो है वो बैठा हुआ है और वो हमारे ज़खायर को, अब हमारे जो कुदरती ज़खायर हैं और उनको जो है ज़रूर जो है उनकी हिफाजत नहीं कर पा रहे। हमारी टेरिटोरियल जो इंटेग्रिटी है वो भी महफूज नहीं है और हम दूसरों के इशारे पर अपनी हिफाजत के लिए बनाए गए हुए हथियार जो हैं वो देने पर हम नहीं, ये हमारे वो लोग जो कि बाकायदा तौर पर बड़े बड़े ओहदों पे थे उन्होंने पाकिस्तान की अहमियत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। नाज़रीन बाउंड्री पार्क में वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन का कितना ख्याल रखा जाता है। आप ये देखें कि डकलिंग की फैमिली जो है, डक और उसकी फैमिली डकलिंग के साथ वो यहाँ पे इस वक्त इवनिंग की स्ट्रॉल कर रहे हैं और वो अपनी माँ के साथ, चांसेस हैं कि वो वापस जाने वाले हैं। लेकिन ये को एग्जिस्टेंस का इतना बड़ी वो है मिसाल कि आप ये देखें कि मछलियाँ और डक्स साथ साथ खेल रही हैं। आई थिंक यही कनाडा की मिसाल है कि को एग्जिस्टेंस जो है वो एक बहुत ही वो है कामयाब ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है जो कि जानवरों ने भी सीख लिया है। और ये डकलिंग जो हैं वो किस तरह से अपनी माँ के साथ पानी में खेल रहे हैं और साथ साथ मछलियाँ भी हैं। और मछलियाँ जो हैं आप देखें कि मछलियों की तादाद कितनी है इस किनारे पर, और अगर कुछ हमारा वो मुल्क होता उसकी लेक्स होती हैं और वहाँ पे किस तरह से इन मछलियों को ख़त्म किया जा किया गया होगा। और हो सकता है कि पाकिस्तान में फिशरीज़ की मिनिस्ट्री है, मैंने देखा है वहाँ पे भी कि लोग
ट्राउट के बच्चे जो हैं पानी में छोड़ते हैं, लेकिन वो चंद हज़ार ऐसे छोड़ते हैं वो के कमर्शियल फिशिंग के लिए नहीं है। मैं देख रहा था कि ट्राउट फिश जो है एक डब्बे से निकाल कर पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में वो 6 से 10 हज़ार रुपये की एक फ़िश वो बेचते हैं, और जो कि इल्लीगल पकड़ी होती है या फिर वो फॉर्म की फ़िश होती है, लेकिन वो इतनी बड़ी तादाद में फिशेस नहीं होती वहाँ पे जो कि कमर्शली भी इस्तेमाल की जा सकती हों। ओवर फिशिंग बहुत हुई है, जापान ने बहुत ज़्यादा ओवर फिशिंग की है और पाकिस्तान के बॉर्डर्स में, और पाकिस्तान के नेचुरल बॉर्डर्स जो हैं उनको ख़त्म किया गया है, जो लेक्स हैं उन पे हाउसिंग सोसाइटियां बना दी गई हैं, जो वाटरवेज हैं रिवर्स हैं उनके भी किनारों से ज़मीनों को इंक्रोच किया गया है और वहाँ पे हाउसिंग बना दी गई हैं। जब सैलाब आते हैं तो एक दूसरे पर मुद्दा डालते हैं कि ये जो है गवर्नमेंट ने ये काम सही नहीं किया, वेयर एज़ ये सब नाजायज़ इंक्रोचमेंट की वजह से पाकिस्तान में जो नशेबी जगह हैं वहाँ पे सैलाब आते हैं। और ये पानी की बात कर रहा हूँ मैं, तो कनाडा में ख़ास तौर पे दुनिया के 30-40% पानी फ्रेश वाटर के वसाइल हैं, जो कि बहुत बड़े वसाइल हैं। कनाडा इज़ अ कंट्री टू एक्सप्लोर, और आपको दिन रात लगातार मेहनत करना होगी, यही एक लाइफ का हिस्सा है। देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। ये डक का एक कपल जो है ये भी आ गया है अपने, और आफ्टर एंजॉयिंग इवनिंग आई थिंक दे कीप डूइंग वर्किंग ईटिंग और एक्सप्लोरिंग होल नाइट। तो देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान इन फिश और डकलिंग डक्स के साथ, बड़ी डक्स के साथ। और यहाँ पे ख़ास मैसेज ये लिखा हुआ है, डोंट फीड द डक्स, डोंट फीड द फिशेस और द डक। आई थिंक दिस कॉर्नर में ज़रूर लोग इन्हें खिलाते हैं, इसलिए इस कॉर्नर में फिश जो है बहुत आ गई है। गिलगित से ग्वादर तक ये धरती हमारी है, गिलगित से ग्वादर तक ये धरती हमारी है, ये माँ हमारी है ये जान हमारी है। अदल मदीना हो इंसाफ कजीना हो, नेकी हो अमल अपना यही राह हमारी है। गिलगित से ग्वादर तक ये धरती हमारी है, ये माँ हमारी है ये जान हमारी है। ये अहद हमारा है कुछ करके दिखाना है, तालीम की दौलत को घर घर फैलाना है, मनफी सियासत को हैवा से भगाना है, मुल्की लुटेरों को अब सबक सिखाना है। अदल मदीना हो इंसाफ कजीना हो, नेकी हो अमल अपना यही राह हमारी है। गिलगित से ग्वादर तक ये धरती हमारी है, ये माँ हमारी है ये जान हमारी है। तामीर वतन अपनी तरजीह हमारी है, अब राह तरक्की पे नजरें हमारी है, घर से जो हम निकले
ये अजमल ये सारे औलाद के मानद है, शीशे से भी भारी है। दिल अपना पाकिस्तान ये जान हमारी है, ये शान हमारी है, ये आन हमारी है। गिलगित से गवादर तक ये धरती हमारी है, ये माँ हमारी है, हम जान से प्यारी है। अदल मदीना हो, इंसाफ कजीना हो, नेकी हो अमल अपना, यही राह हमारी है। गिलगित से गवादर तक ये धरती हमारी है, ये माँ हमारी है, हम जान से प्यारी है। ये माँ हमारी है, हम जान से प्यारी है, ये माँ हमारी है, हम जान से प्यारी है। जी नाज़रीन, वेलकम बैक दिल अपना पाकिस्तान में इंतखाब अहमद दोबारा आपके साथ हाजिर खिदमत हैं। पाकिस्तान में जो खुदा से जो अल्लाह ताला से फियर करते हैं अभी भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट में वो लोग शामिल हैं। नाज़रीन मैं अपना इससे कंपेयर करूंगा कि अभी जो हालात हुए बिशक में, जहां से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मारा भी गया, ज़ख्मी किया गया। जी नाज़रीन, बिशक में कुछ पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ एक एक्शन लिया गया, वहाँ के सिविल लोगों ने लड़कियों के लड़कों के हॉस्टल में पे हमला किया गया, और जो कि एक नहायत ही बुज़दिलाना इकदाम था जो कि किया गया। और इस सिलसिले में पाकिस्तानी हुकूमत ने और ख़ास तौर पर PIA ने जिस तरह से काम किया वो वाकई काबिल स्ताइश है। अभी भी पाकिस्तानी हुकूमत में खुदा से अल्लाह से डरने वाले लोग मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के लोगों के लिए हर जगह तैयार होते हैं उन्हें रेस्क्यू करने के लिए। तो मैं अपना एक वाक़या आपसे सुनाता हूँ, एक नहीं दो वाक़यात हैं, बल्कि बहुत से ऐसे वाक़यात हैं यहाँ यकीनन एज ए पाकिस्तानी मुझे और मेरी फैमिली को निकाला गया। मैं मिडल ईस्ट में काम कर रहा था, तो कोई तेरवस का एक जहाज़ जो है वो अगवा हुआ और हमें 6 दिन के लिए मुझे और मैं सिंगल था उस वक्त, तो मुझे जो है तेहरान ले जाया गया। और वो जहाज़ जो है गरीब गुरबा पाकिस्तानियों से भरा हुआ जहाज़ था, और इसलिए मैं कहूँगा ज़्यादातर लेबर तबका था उसमें, और उन सब को अगवा किया गया। और उसमें ऑर्डील बहुत बड़ी थी, बहुत सख्त ऑर्डील है जिसने मेरी ज़िंदगी पर बहुत सारा असर छोड़ा। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ, 6 दिन बाद जब हम वहाँ पे निकल कर आए, रेस्क्यू किया गया, बल्कि 1 दिन पहले मुझे जो है रिहा कर दिया गया, यानी 6ठे दिन और 7वें दिन जो है वो सारे जो है फ़ज़ाई अज़ाकों ने लोगों को यरगमाल बनाया हुआ था उन्हें छोड़ दिया। और फिर विदिन 2-3 डेज़ पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने PIA ने एक बहुत आसान इकदाम किया, जिसकी मैं बात हमेशा हर फोरम पे करूँगा, कि उन्होंने जहाज़ भेजा और वो बोइंग 707 था, और वो भर कर पाकिस्तानी पैसेंजर्स को लेके आए। वो जहाज़ और उसका हमला बहुत ऐसे हालात से में हमेशा जाता है जहाँ पे जंगी हालात हों और अपने पाकिस्तानियों को निकाल कर ले आता है। ये एक बहुत ही बड़ी हिम्मत की बात होती है, तो PIA के स्टाफ को हैट्स ऑफ, और उन्होंने इतना बड़ा ऑपरेशन किया। और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ज़रूर उन मुल्कों से क्वेश्चन ज़रूर करेगी कि जहाँ पे बिला वजह पाकिस्तानियों को तंग किया जाता है, उन्हें कैदों में डाला जाता है। ये एक नहायत ही सोचने वाला मसला है कि हमारी वैल्यू क्यों इतनी गिर गई है कि लोग जो हैं हमारे दर्जनों लोगों बल्कि सैकड़ों लोगों को पे जबर भी करते हैं, उनके साथ ज़्यादतियाँ भी करते हैं,
और हम जो हैं वो बहुत कम उस पर सवाल उठाते हैं या किसी को अकाउंटेबल करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर एक आदमी भी कहीं पे अगवा हो जाए या गायब हो जाए या किसी तरह से किसी डिस्ट्रेस सिचुएशन में हो, वो ज़रूर उसका जो है उसको रेस्क्यू करते हैं। अपने मुल्क के शहरी होने के नाते वो एक एक बंदे की हिफाजत करते हैं। क्या कभी ये वक्त आने वाला है कि पाकिस्तान का भी ये सिचुएशन हो? जी नाज़रीन, 1990 में जब इराक ने कुवैत में इन्वेजन की थी, मैं उस वक्त कुवैत एयरवेज़ में काम कर रहा था और मेरे साथ मेरी वाइफ और छोटा बच्चा था जो कि 6-7 महीने का था अरबाब, और ये हम लोग जो हैं वहाँ से हम बस लेकर कुवैत से जॉर्डन गए और जॉर्डन से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हमें रेस्क्यू किया। तो मैं यही कहूँगा कि खुदा से डरने वाले पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को मैं सलाम पेश करता हूँ, वो लोग जो कि पाकिस्तानियों के लिए हर लम्हे जो है वो उनकी मदद करने को तैयार हैं, और इसी वजह से शायद पाकिस्तान जो है कायम दायम है। नहीं तो बहुत सारे लोग जो हैं इसके मुल्क की टांगें खींच रहे हैं, इसके रिसोर्सेज खींच रहे हैं, इसमें कर्ज़े लेकर अपनी जायदादें, चाहे दुबई हो चाहे वेस्ट हो, वेस्ट से अब वहाँ पे भी मेरा ख़्याल है वो अब इतना काम नहीं कर सकते, तो उन्होंने दुबई में 12 अरब की जायदादें भी बनाई हैं। तो एक वो लोग हैं जो पाकिस्तानी हुकूमत को चला रहे हैं, लोगों की खिदमत करते हैं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान इंतखाब अहमद के साथ। नाज़रीन, आज हम ये प्रोग्राम बाउंड्री पार्क से कर रहे हैं। बाउंड्री पार्क में हैरी द हैरन ने मुझे साथ दिया हुआ है। मेरे पीछे एक बगला है जो कि उस वक्त से बैठा हुआ है जब से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, और अपना डिनर करने के बाद वो अपने फलों को जो है डिनर करने के बाद जी हैरी द हैरन डिनर करने के बाद अपना जो है परों को फैला रहा है, उन्हें साफ़ कर रहा है, क्लीन कर रहा है, और इज़ गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। तो नाज़रीन, देख मैं इस प्रोग्राम की इस सेगमेंट के इस हिस्से में आपसे बात करूंगा कि यहाँ पे कनाडा जिस तरह से मल्टी कल्चरल कंट्री है और डिफरेंट लोगों को उनके जो लाइफस्टाइल है उनके हिसाब से, उनके रिलीजियस नीड्स के हिसाब से उन्हें फैसिलिटेट करता रहता है। तो नाज़रीन, कनाडा ने काफ़ी प्रेशर के बाद इस्लामिक मॉर्गेज का एक सिलसिला शुरू करने का इरादा किया है कि वो लोगों को इस्लामिक मॉर्गेज जो है वो दें। अब इस्लामिक मॉर्गेज के 2-3 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जाता हूँ कि ये पैसा जो है ये तो सेंट्रल बैंक ऑफ कनाडा से लोन लिया जाता है, और या वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं जिनका अपना पैसा है और वो लोगों को वो देते हैं। तो आप लोग ज़रूर इसका भी ख्याल करें कि वो पैसा जो है, अगर क्योंकि कनाडा की इकॉनमी इंटरेस्ट बेस इकॉनमी है, तो अगर यहाँ पे किसी तरह से लोग अपने लिए मॉर्गेजेस का बंदोबस्त कर रहे हैं और उसे हलाल मॉर्गेज का नाम दे रहे हैं, तो मनी इज़ मनी, वो कहीं से भी आती है, गवर्नमेंट के पास से आती है या प्राइवेट लैंडर से आती है। अगर वो इंटरेस्ट को किसी और शक्ल में दे रहे हैं तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि भाई वो इंटरेस्ट जो है वो किस तरह से लगाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। अवाय लोगो 10-15 साल पहले टोरंटो में एक कंपनी आई थी, तो उससे मैंने इस्लामिक मॉर्गेज के बारे में कुछ सवालात किए, तो उन्होंने मुझे जो बातें बताईं तो मुझे नहीं लगा कि वो फिजिबल है कैनेडियन सोसाइटी में। इस तरह से आप उनकी मुताबिक आप किस तरह से इंस्टॉलमेंट दें, और मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने कहा फॉर एग्ज़ाम्पल क्या आपका घर 4 लाख का है, ये 15 साल पहले की बात है, तो 4 लाख का घर जो है आप डाउन पेमेंट 1 लाख दे दें, बाकी 3 लाख की आपकी मॉर्गेज होगी, और आप उस घर में किराए के तौर पर रहें, किराया देते रहें, और फिर जो बाकी का पैसे हैं हम वो मॉर्गेज नहीं लेंगे, आपसे किराया लेंगे। जी जब आपके पास 10-20-25-30 हज़ार आपके पास जमा हो तो आप वो 10-20-25-30 हज़ार जो हैं वो दे दें, तो वो उन 3 लाख में माइनस हो जाएंगे। तो यानी आप
किराया जो दे रहे हैं वो बिल्कुल आपका ज़ाया होगा। तो ये इस्लामिक मॉर्गेज में कुछ ऐसे पहलू हैं, वो आप उसको देखें ज़रूर, जो आपके बेनिफिट में मेरे ख़्याल में नहीं जाते। किराया भी किसी भी सूरत में काउंट नहीं होता, और ये लोग इस्लामिक शरीयत के आड़ में अपने पैसे बनाते हैं। वो कंपनी अब बाद में वो बैंक्रप्ट हो गई थी, और बिकॉज़ उनके पास कोई अपना फाइनेंशियल कुछ ऐसा प्रोग्राम नहीं था जिससे वो सेल्फ सस्टेन करते। कनाडा में रह रहे हैं, शरीयत की बातें कर रहे हैं, तो कनाडा और शरीयत में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पे भी अमल करना चाहिए। और जो लोग वेलफेयर ट्रस्ट चला रहे हैं और पैसे वाले लोग जो हैं वो क्यों नहीं ये काम करते कि जो बूढ़े लोग हैं, जो जो ओल्ड एज होम्स में चले जाते हैं, या वो होम जो कि असिस्टेड होम्स हैं जहाँ पे आपकी केयर की जाती है और आप ओल्ड एज में वहाँ पर रहना पसंद करते हैं, या जिनके बच्चे नहीं हैं जो उनकी देखभाल नहीं कर पाते, तो वो ज़रूर इस चीज़ को भी देखें कि वहाँ उन चीज़ों में, इन चीज़ों में इन्वेस्ट करें और बिल्डिंगें बनाएं और गवर्नमेंट से फंडिंग भी लें और अपना भी खर्च करें, और उन बूढ़ों की जो लाइफ में एक्सपेंस करने, स्पेंड करने की जो मनी है वो नॉमिनल मनी लेकर उन्हें ऐसी रिहाइश पे दें जिसमें वो इस्लामिक असूलों के तहत रह सकें, उन्हें तहारत, नमाज़ें और साफ़ जगह की बहुत ज़रूरत होती है, जो कि जनरल वॉशरूम्स और जनरल जगहों पे रहने से उनकी वो रूहानी तस्कीन नहीं हो पाती जो कि एक इंडिपेंडेंट लिविंग में और असिस्टेड लिविंग में हो सकती है। तो ये मैं आपके लिए ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि पैसे वाले लोग, मुसलमान लोग कनाडा में इतने हैं कि वो ज़रूर ये इस काम पर काम शुरू कर सकते हैं। हर शहर में इतने ज़रूर लोग मिल जाएंगे जो कि ओल्ड एज होम्स में रह सकें और उनकी देखभाल जो है बाकायदा कैनेडियन असूलों के मुताबिक, सेहत के असूलों के मुताबिक और दूसरी जो ज़रूरियात हैं उनके असूलों के मुताबिक हो सके। तो नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम लेकर आए हैं। देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान।